हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर कुछ वायोवेज क्वेश्चंस की वीडियो। तो बच्चों, एक बात कहना चाहूँगा कि मैं खुद ही आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, लेकिन थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम भी समझिए कि आप ना बहुत कम टाइम देते हैं कि सर कल ही वाइवा है, तो समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप थोड़ा सा अर्ली बता दें अगर आप किसी भी आने वाले वाइवा को लेकर परेशान हैं, तो पहले बता दो 4-5 दिन पहले कि आपको ये डाटा तैयार करके देना है, मैं 100% आपको दूंगा। यहाँ जो टैक्स रिफॉर्म को लेकर मैंने कोई डाटा कलेक्ट किया है, तो व्हाट इज टैक्स रिफॉर्म, पहला क्वेश्चन है। तो टैक्स रिफॉर्म इज ए पॉलिसी, ये एक पॉलिसी है इम्प्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट थ्रू विच इफ अ फ्यू ऑल्टरेशंस आर मेड टू द टैक्स सिस्टम टू ओवरकम द लूप होल्स एंड इनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री to generate higher revenues from taxes than the overall spending। अब देखो सरकार क्या करती है, रिफॉर्म क्यों करती है, जब उनको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, ताकि और इसको बेटर किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, इसलिए टैक्स सिस्टम को और बेटर करने के लिए टैक्स रिफॉर्म्स किए जाते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया, इंडिया में ये क्रेडिट किसको जाते हैं, तो राजा छेलिया फादर ऑफ द इंडिया टैक्स रिफॉर्म्स हैं। वर्किंग पेपर्स और 9/1 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसीज, तो ये उनकी डिटेल गिवन है, ये आप पढ़ सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है आपने इसको थोड़ा सा गो थ्रू किया होगा। ऐसी व्हाट इज़ द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया, इंडिया में जो सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म किसे माना जाता है, तो ऑफकोर्स हम कहेंगे जो GST है सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था, और कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1 July 2017। द GST रिजाइम इज रिगार्डेड एज बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इससे पहले नो डाउट हम कहेंगे कि आपकी जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे या इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991, वो भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो GST तो ऑफकोर्स है ही है। वॉज देयर एनी नीड ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स, क्या जरूरत थी टैक्स रिफॉर्म्स की, तो ऑफकोर्स यहाँ आएगा येस, एक नीड थी फॉर द टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया टू एंश्योर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस एंड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। अब देखो, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं आप कंपीट करना चाहते हैं, तो आपको अपनी पॉलिसी को भी चेंज करना होगा। जैसे हमने जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे 1991 में, वो इसी पर्पस के साथ किए थे, क्योंकि इससे पहले हम सोचते थे कि हम इंडिया के अंदर ही सब कुछ तैयार करेंगे, बनाएंगे, लेकिन करते करते क्या हो गया कि बहुत डिले हो गया। चाइना ने ये सब कुछ जो है 1978 में इंट्रोड्यूस कर दिया, हम 13 साल पीछे निकल गए उनसे। और एनीवे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, वो है मेरा येस ऑफ कोर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैक्स रिफॉर्म्स की कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, तो ऑफ कोर्स हम कहेंगे जो फर्स्ट है कि देर इज़ ए लैक ऑफ प्रोग्रेसिविटी इन द सिस्टम, कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रोग्रेसिविटी की कमी है। दिस मीन्स दैट हाई इनकम अर्नर्स पे अ मोर सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ देयर इनकम इन टैक्सेस देन लो इनकम अर्नर्स, और इसकी वजह से क्या अनफेयर टैक्स बर्डन है उन लोगों पे हु कैन लीस्ट अफोर्ड इट। अब देखो, कहने की बात है, अब जिसकी जितनी सैलरी है उसी के अकॉर्डिंग वो टैक्स देता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जिनका आप पे स्केल हाई होता चला जाता है, उनको टैक्स जो है ज़्यादा पे करना है कंपेयर टू द लो पे स्केल, तो ऑफकोर्स वो भी देखो, लेकिन ये कहते हैं कि ये लूप होल है, थोड़ी सी कमी है। एडवांटेज क्या है टैक्स रिफॉर्म्स की, तो इम्प्रूव करता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी को। टैक्स रिफॉर्म्स कैन हेल्प टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एफिशिएंसी बाय एंश्योरिंग दैट द टैक्स सिस्टम इज फेयर एंड इक्विटेबल, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स फॉर वर्क एंड इन्वेस्टमेंट एंड सिंप्लीफाइंग द टैक्स कोड, और फिर टैक्स कोड को भी सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसी जो टैक्स रिफॉर्म है 1991 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए, वो क्या चीज़ है, तो द ईयर 1991 मार्क्ड ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। क्यों, क्योंकि इसका रीजन क्या था, जो मार्जिनल टैक्स रेट है विच वॉज वन स्काई हाई, यानी इसको थोड़ा सा कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया ड्यूरिंग द 1991-92 टैक्स रिफॉर्म्स। और जो ड्रास्टिक चेंज आया, सबसे जो बड़ा जो चेंज है वो कहाँ था, सो द मार्जिनल टैक्स रेट बीइंग लोअर टू 40%, अ मूव दैट ब्रॉट रिलीफ टू मैनी टैक्स पेयर्स, उससे जो है बड़े सारे टैक्स पेयर्स को रिलीफ मिला होगा, 100% मिला होगा। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एक ऐसा टैक्स है जो एक पर्सन को या एक ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली पे करना होता है, जैसे इनकम टैक्स है, रियल प्रॉपर्टी टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, या टैक्स ऑन असेट्स हो गया, और ऑल सच ऑल ऑफ विच आर पेड बाय एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है जो लेवी किया जाता है ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इट इज़ नॉट डायरेक्टली लेवीड ऑन द इनकम ऑफ ए पर्सन, बट जो सर्विसेज वो यूज़ करेगा या जो ओवरऑल गुड्स के प्राइस होगा, वही कहीं ना कहीं उस पर उसको जो है वो टैक्स देना पड़ता है। अब जैसे है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन क्या चीज है? तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है फ्लो ऑफ आइडियाज, कैपिटल, पीपल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक दुनिया के हिस्से से दुनिया के दूसरे हिस्से में जब आइडियाज, लोगों का या कैपिटल का जाना जो है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। और ये जो रिफॉर्म्स किए गए थे उनके बारे में थोड़ा सा बताना है। ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में आए थे, रिड्यूसिंग इम्पोर्ट टैरिफ था, डीरेगुलेटिंग मार्केट्स था एंड लोअर टैक्सेस था, और साथ में इसी की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और हाई इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ इशारा किया गया कि वो बढ़ेगी 100%। ऐसे कुछ एक यहाँ पर मेरे पास वर्ड्स हैं जिनकी डेफिनेशन है कि MNCs क्या होती है। MNC आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो MNC वर्ड वहाँ पे आते ही आते हैं। तो एक कंपनी है दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, मल्टीनेशनल कंपनी जिसकी एक से ज़्यादा देशों में प्रोडक्शन है, उस पर कंट्रोल है और ऑफिस और फैक्ट्रीज हैं उसी के रिगार्डिंग, और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस ग्लोबली एंड इन ए कॉम्प्लेक्स मैनर। तो ये भी चीज़ है। ऐसे इन्वेस्टमेंट वर्ड को लेकर भी जो है कुछ गिवन है कि इन्वेस्टमेंट वर्ड क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये मैंने डेफिनेशन दी है, ग्लोबलाइजेशन वर्ड की डेफिनेशन दी है, और इसके अलावा जो मैंने आपको एक लास्ट में दिया है वो है ट्रेड बैरियर्स। अब ट्रेड बैरियर क्या होते हैं, आप देखो ट्रेड बैरियर को ही तो एक्चुअल में धीरे धीरे कम किया गया ताकि जो गवर्नमेंट है उनको जो है मींस पॉलिसी को इस तरीके से हैंडल करे, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम से कम कर दी जाएं और लोगों को प्रॉब्लम ना हो। जैसे टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। ऐसी लिबरलाइजेशन क्या होता है, तो रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स गुड्स बाय द गवर्नमेंट, ये होता है लिबरलाइजेशन। ऐसी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या हैं, कुछ एक ऐसे एरियाज हैं जहाँ टैक्स का जो लेवल है वो बहुत कम होता है। तो ये कुछ एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने आपकी जो डाटा आपने मुझे दिया था उसके अकॉर्डिंग कवर किए हैं। बट बिकॉज वन डे बिफोर आई गॉट अ मैसेज, और मेरी फैमिली में भी कुछ इश्यू था जिसकी वजह से मैं जो ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाया, लेकिन कुछ बच्चों से मैंने कमिटमेंट की हुई थी, तो आई हैव प्रिपेयर्ड द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। तो आई होप सो दीज क्वेश्चंस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर टुमोरोज़ वाइवा, और कुछ ना कुछ आपको हिंट तो जरूर मिल गया होगा कि इस तरह के जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपकी फाइल से रिलेटेड, और इवन विदाउट फाइल भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या चीज़ है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना माइंड सेट करके जाना है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और साथ में ये कहूँगा कि अगर इसके अलावा भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप थोड़ा सा टाइमली मुझे मैसेज दिया कीजिए, ताकि मैं आपका जो डाटा है बड़े अच्छे से और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐड ऑन करके आपको दे सकूँ। सो वंस अगेन मैं यही कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में अपने ओपिनियन जो भी आपका कोई मन में है, डाउट है, तो वो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। सो आई विश यू गुड लक, हैव वेरी नाइस डे।